हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो आप साथियों सोच रहे होंगे कि आज बड़े गॉगल्स लगा के वीडियो बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बॉस, आंखों में जबरदस्त इन्फेक्शन हुआ है। आपने देखा होगा पहले वीडियो में, मेरे कल वाले मैच में भी हल्की सी आई स्वेल थी, तो आज काफी कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने सोचा बेटर है कि भैया गॉगल्स लगा ले। तो साथियों देखिए, आज जो मैच खेला जाने वाला है, वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में ये खेला जाएगा और पहली बार यहाँ पे वर्ल्ड कप मैच होने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में ये मैच है। इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि क्या टीम कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और किस तरीके से हमने अपनी टीम बनानी है ताकि ये ग्रैंड लीग में हमारा अच्छा प्राइज लग सके। इसी हिसाब से हमने चलना है दोस्तों। और अगर मैं कल की बात करूँ तो प्रेडिक्शन लगभग वैसा ही रहे हैं जैसा कि मैंने सोचा था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कॉनवे स्टार खिलाड़ी रहेगा और ओपनर्स इसमें बढ़िया करेंगे, तो जेरी बेस्टो ने वहां बढ़िया किया और उसके अलावा जो है कॉनवे ने बहुत बढ़िया किया। रचिन रवीन को मैंने कहा था कि ये लोग फ्लोटर की तरह यूज करते हैं, अगर ऊपर आएगा तो बढ़िया खेल सकता है, उसी का एक एडेड एडवांटेज है। तो काफी कुछ कल मैच करता हुआ चला गया जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। तो आज भी हम देखेंगे कि पाकिस्तान वाले मैच में क्या हो सकता है और किस तरीके से हम अपनी टीम ले सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2 बजे से मैच है, ये भी डे नाइट मैच है। ठीक है, और पाकिस्तान का कप्तान बाबर आजम आज मुकाबला करेगा नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड की टीम से। हालांकि टूर्नामेंट की सबसे कमजोर और सबसे वीक टीम है नीदरलैंड, तो पाकिस्तान के चांसेस में बहुत ज्यादा है जीतने के। मतलब मुझे लगता है पाकिस्तान ही जीतेगा, नीदरलैंड पाकिस्तान से जीत नहीं पाएगा। भले ही क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन ऐसी अनिश्चितता की जो आशा है मुझे काफी कम है दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक अगर हेड टू हेड मुकाबला देखते हैं तो सिर्फ 6 मैच इन्होंने आपस में खेले हैं और 6 की 6 मैच पाकिस्तान ने ही जीते हैं। इसके अलावा लास्ट अगर आप 5 मैचेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है शुरू के तो 3 जीता था, लेकिन इसका एशिया कप बड़ा खराब रहा था और एशिया कप में ये अपने 2 मैच जो है लगातार हार के आया हुआ है। लेकिन इस हार से बहुत ज्यादा फर्क नीदरलैंड के अगेंस्ट नहीं पड़ने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नीदरलैंड की बात करेंगे तो ये आपका 5 में से 3 मैच जीत कर आया है, 2 इसने हारे, लास्ट वाला ये भी हार कर ही आया हुआ है। और बहुत ज्यादा हेड टू हेड के बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। पाकिस्तानी स्क्वाड अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो इस स्क्वाड में लगभग वही टीम है जो सारी की सारी खेलने वाली है। सिर्फ मुझे लगता है कि हसन अली यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा स्टैट आपके सामने खुला हुआ है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे सिर्फ एवरेज पे अगर खिलाड़ियों के गौर करेंगे तो इमामुल हक 50, बाबर 58, बहुत जबरदस्त ये लग रहे हैं, और 45 में फकर जमन भी है। हालांकि फकर जमन का कोई अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं चल रहा है, ये लगातार इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तान फखर जमन के साथ ही जाएगी और वो चाहेगी कि नीदरलैंड की जैसी कमजोर टीम के खिलाफ फखर जमन फॉर्म में आ जाए तो इसका फायदा उन्हें आगे के मैचेस में मिले। तो क्या क्या की प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से हो सकते हैं, तो दोस्तों तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन 7-4 का चलेगा। 7-4 का मतलब है 7 खिलाड़ी आपके पाकिस्तान के और 4 खिलाड़ी आपके नीदरलैंड के। आपके ऊपर है, आप 8-3 पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा 7-4 का कॉम्बिनेशन। और जो की खिलाड़ी रहने वाले हैं, मैं बॉलर्स से बच्चों इसको स्टार्ट दोस्तों इसको स्टार्ट करूंगा। और बॉलर्स में अगर आप देखते हैं तो पहले हरीश रऊफ को हम जरूर रखेंगे और शाहिद आफरीदी को हम जरूर रखेंगे यहाँ पर, और इनके अलावा जो है हसन अली भी रखा जाएगा। तो ये 3 गेंदबाज तो मेरे हर जगह रहने वाले हैं, और 3 के साथ अगर इनको रखते हैं तो फिर 4 बैट्समैन के साथ में जाऊंगा। और मेरी जो चॉइस होगी बैट्समैन के साथ में, इमाम को हम जरूर रखेंगे, बाबर को भी हम जरूर रखेंगे और रिजवान को भी हम जरूर रखेंगे हर कॉम्बिनेशन में। उसके अलावा एक शादाब हमारा आ जाएगा। तो 7 खिलाड़ी जो चलने वाले हैं भाई, मैं इस हिसाब से चलने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यही मेरे हिसाब से की प्लेयर रहेंगे। इफ्तकार का रोल इसमें बहुत ज्यादा रह नहीं जाता क्योंकि इफ्तकार काफी पीछे आएगा खेलने के लिए और ये सब बैटिंग विकेट होने वाले हैं, तो इफ्तकार तक शायद गेंदबाजी नीदरलैंड की इतनी असर ना दिखाए कि इतनी नीचे जाना पड़े। सलमान अली आगा पे मैं साथियों कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऑलराउंड कैटेगरी में, इसको नहीं रखा जा सकता है। तो ये खिलाड़ी इस तरीके से आपके रहेंगे। रिकॉर्ड सब आपके सामने है दोस्तों, लगातार शतक वतक आप देखिए सभी मार चुके हैं। बाबर जो है 19 शतक लगा चुका है, 10 शतक जबन के हैं, 9 इमामुल हक के हैं, तो शतक वतक भी बढ़िया चल रहे हैं। गेंदबाजी तो खैर इनकी जबरदस्त है ही है। इसके बाद दोस्तों अगर आप बात करते हैं नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने क्या किया है, तो नीदरलैंड के खिलाफ तो भैया सबने ही बढ़िया किया हुआ है। तो अगर फखर जमन को भी देखते हैं तो 3 ही मैच इसने खेले हुए हैं, लेकिन ये देखिए 138 रन बना चुका है
102 हाईएस्ट के साथ 46 का एवरेज, एक शतक, एक अर्धशतक। तो आज भी ये मतलब एक टीम तो आपकी ऐसी बनेगी ना जिसमें फखर जबर और इमामुल हक जो है कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे और यही दो काम कर जाएंगे। ठीक है, इमाम की अगर आप बात करते हैं, दो मैच खेला है, पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है, तो इमाम का बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनके खिलाफ आपका नहीं रहा है। बाबर की अगर आप बात करते हो तो बाबर ने 3 मैच में इनके खिलाफ 222 रन बनाए हैं और 3 अर्धशतक इसने बनाए हुए हैं। देखिए एवरेज भी जबरदस्त है, 74 का है, तो फिर से बाबर बढ़िया करेगा। मोहम्मद रिजवान भी बहुत बढ़िया कर चुका है, 2 ही मैच में इसने 83 रन ठोक दिए हैं और 78 नॉट आउट के साथ 83 इसका एवरेज है। तो मेरे हिसाब से ये 4 खिलाड़ी काफी है उसको निपटाने के लिए। आगा का रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं, इफ्तिखार आप देख सकते हैं खेला नहीं है। शादाब ने 2 ही मैच खेले हैं, 1 ही विकेट ले पाया है, 48 नॉट आउट इसने रन बनाए हैं। बाकी हसन अली खेला नहीं, शाहिद आफरीदी इनके खिलाफ खेला नहीं, रऊफ ने जरूर 2 मैच में ही 6 विकेट लिए हैं, तो रऊफ कप्तान का मटेरियल रहेगा ही रहेगा। नवाज ने भी 3 मैच में 4 विकेट लिए हैं और ये साथियों प्लेइंग 11 है, टीम भी ऐसी ही रहने वाली है। तो नीदरलैंड के खिलाफ भी आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, अभी आगे बताएंगे कि कौन से खिलाड़ी हमको पिक कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर इनकी जो प्रोबेबल 11 में लास्ट 5 इनिंग आप देखते हैं, तो लास्ट 5 इनिंग में आप देखिए फखर जबर बिल्कुल फ्लॉप है, लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि ये फ्लॉप रहेगा और ये अपनी फॉर्म पा ही लेगा, तो ये जरूर होना चाहिए आपके लिए कप्तान का मटेरियल होना चाहिए। इमाम को आप देखें सिर्फ 1 78 रन की पारी आई है, उसके अलावा इसने भी कुछ नहीं किया हुआ है। बाबर को आप देखें तो 2 अर्धशतक लास्ट 2 मैचेस में बनाकर आया है, 80 और 90 की बेहतरीन पारी इसने खेली है वार्म अप मैचेस की अगर आप बात करें। हालांकि पाकिस्तान दोनों हार गई थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। और मोहम्मद रिजवान को देखें अच्छी फॉर्म में है, 63 नॉट आउट, 86 नॉट आउट और 103, तो ये भी आपके कप्तान का मटेरियल हो सकता है। अगर किसी तरीके से 2 विकेट पाकिस्तान के गिर गए और ये टिक गया, तो ये बड़ी पारी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। आगा बिल्कुल बेकार है। इफ्तिकार को अगर आप देखें तो इसने कमजोर टीमों को जरूर धोके 83 रन बनाए और 1 के खिलाफ 3 विकेट भी लिए, लेकिन ये कोई उधर भयंकर खिलाड़ी है नहीं और बॉलिंग भी बहुत ज्यादा कराता नहीं है, तो ये मेरी चॉइस तो ये भी नहीं रहेगा। शादाब को हम जरूर रखेंगे क्योंकि ये 3-4 विकेट भी ले सकता है, विकेट तो खैर लेगा ही लेगा, ये स्पिन के खिलाफ ऐसे भी कमजोर है नीदरलैंड। दवास भी आएंगे, दवास का प्रदर्शन भी कोई बहुत ठीक ठाक है नहीं, लेकिन कहीं पे आप फिट करना चाहें तो फिट कर सकते हैं। बाकी इन तीनों को हम लगातार ले सकते हैं क्योंकि आप देखिए हसन अली जो है वो 6 विकेट लेकर आया है अपनी लास्ट 5 पारियों में, शाहिद आफरीदी अपनी 4 पारियों में 4 विकेट लेकर आया है, रऊफ अपनी 4 पारियों में 5 पारियों में 8 विकेट लेकर आया हुआ है। तो ये तीन तो आपके रहेंगे रहेंगे, तो ये इनका लास्ट 5 मैचेस का परफॉर्मेंस है। ये इनकी बैच स्ट्रेंथ है, लेकिन बैच स्ट्रेंथ में से कोई यूज होने वाला नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि ये शाहिद जो सलमान अली आगा है, सलमान अली आगा को हटाकर उसकी जगह शायद सौद शकील को ये खिला, इसको मिडिल में ला सकते हैं, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नीदरलैंड की स्क्वाड की अगर आप बात करते हैं तो पूरी की पूरी स्क्वाड आपके सामने है और नीदरलैंड को काफी उम्मीद है विक्रमजीत सिंह से, जो कि 25 मैच में 808 रन बना चुका है, 32 का ही एवरेज है, 4 अर्धशतक 1 शतक है। भारतीय खिलाड़ी है, नीदरलैंड के लिए खेलता है और ये मतलब भारतीय खिलाड़ी तो दी गई है, भारत का ही, भारत वंश का ये है आपका, लेकिन मुझे नहीं लगता नीदरलैंड को उम्मीद इससे भले ही हो सकती है ना, लेकिन पाकिस्तान की खूंखार गेंदबाजी के आगे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, इसका बहुत मुश्किल है, मेरे को नहीं लगता, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। और इनका जो सबसे जबरदस्त खिलाड़ी है इनके कप्तान स्टुअर्ट एडवर्ड के बाद, वो इनका जो है ये मैक्स दाऊद भी 1158 रन 83 मैच में बना चुका है, 37 का बढ़िया एवरेज इसका है, शतक अभी तक नहीं आया, 10 अर्धशतक है, लेकिन अगर ये चल गया तो ठीक है, लेकिन मेरी चॉइस ये भी नहीं रहेगा क्योंकि टॉप ऑर्डर पे मैं बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करूंगा इनके, बहुत जल्दी भी समझ सकते हैं चाहे कितना ही बैटिंग विकेट क्यों ना हो। और बाकी अगर देखा जाए तो सिर्फ यही 3 खिलाड़ी जो इनके ऊपर है, मैक्स दाऊद है, विक्रमजीत सिंह है और वेस्ले बैरिसी है, इसके अलावा नीचे से आपका स्पॉट एडवर्ड आया है, इनके अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज है नहीं इनके पास जो कि कुछ वादा दिखा सकता है। बिस्लीडे भी एज ऑलराउंडर आप जरूर ले सकते हैं, 30 मैच में 24 विकेट है, ठीक है, और 765 रन है, लेकिन ये मतलब इतना जबरदस्त नहीं है कि बहुत बड़े स्कोर कर पाए। कोहली अकरमेन को आप देखें 2 ही अर्धशतक इसने बनाए हुए हैं, तो और ये पाकिस्तान के खिलाफ मुझे लगता है कि चलेंगे, तो 4 खिलाड़ी अगर आप रखते हैं ना इनके, तो देखिए 2 तो इनके जो ऑलराउंडर है वो तो रहेंगे ही, मैं आगे आता बताने वाला हूँ किन किन खिलाड़ियों को रखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इनके चेंज करके खिलाते रहिए ताकि आपकी कम्बिनेशन बढ़िया बैठते रहे, तो सारा का सारा सबको आपके सामने खुला हुआ है। इसको जरूर जो इनका लोगन वॉर्निक है, इस खिलाड़ी को हम जरूर लेना चाहेंगे, ये इनका एक बढ़िया खिलाड़ी है, ठीक है।
बाकी आप नीचे देखें इनका पॉल बी ग्रीन है 13 मैच में सिर्फ 15 ही विकेट है, तो देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ क्या करेगा। शहरीज अहमद 11 मैच में 13 ही विकेट है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा खेले नहीं है ये लोग। इसके बाद आपका वॉल्डर बिरवे है 16 मैच में 19 विकेट है, तो बहुत बढ़िया टीम नहीं है ये, वीकेस्ट टीम है टूर्नामेंट की। तो यहाँ से 4 खिलाड़ी रैंडम उठा के आप टीम बना सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं तो विक्रमजीत सिंह ने 28 के एवरेज से 2 अर्धशतक लगाए हुए हैं, बस यही एक थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है। मैक्सो दाऊद बिल्कुल फ्लॉप है, वेस्ले बेरिसी बिल्कुल फ्लॉप है, बिस्लीडे जो कि आप जनरली रखेंगे इसने जरूर आपके 110 रन बनाए हैं 89 हाईएस्ट के साथ, 36 का एवरेज है और 3 मैच में 5 विकेट ले सकते हैं, तो बिस्लीडे को आप रख सकते हैं। इसके अलावा कॉली एकरमैन अभी खेला नहीं है, स्कॉट एडवर्ड्स इनका बढ़िया खिलाड़ी है, विकेट कीपर है, कप्तान भी है, ठीक है, 3 मैच में 82 रन बना चुका है 71 नॉट आउट के साथ साथ, तो एक इसको भी आप एडवर्ड को भी रख सकते हैं। बाकी रेयन क्लीन खेला नहीं है इनके खिलाफ, लॉगन वॉन को अगर आप देखें तो 3 मैच में 3 ही विकेट ले आया है, 49 जो है रन इसने बनाए हुए हैं, चाहे तो रख सकते हैं इसको भी। इसके अलावा ये अभी खेला नहीं है आपका वाटर मिल में, और शरीज अहमद जो कि लेग स्पिन करेगा इसको आप चाहे तो रख सकते हैं, और मिग्रेन ने अभी खेला नहीं है, तो यहाँ से तो 3 ही खिलाड़ी मुझे लग रहे हैं जो कि आप उठा सकते हो, है, लेकिन 7-4 के कॉम्बिनेशन से जाना। इसके बाद लास्ट 5 इनिंग की बात करते हैं तो विक्रमजीत सिंह 1 शतक लगा के आया हुआ है बॉस, और 1 40 रन इसने बनाए हैं, बाकी 3 पारियों में इतना बढ़िया इसने नहीं किया है। मैक्सो दाऊद आप देखिए नाम इसके बड़े हैं लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी है नहीं, 35, 20 और 33, तो बहुत ज़्यादा रन ये भी नहीं बनाता है। तो आप देखें कि कोई भी खिलाड़ी प्रदर्शन के लास्ट 5 प्रदर्शन के आधार पर लगेगा नहीं आपको उठाना चाहिए, लेकिन 4 तो फिर भी आप इसमें से उठाएंगे। कौन उठाएंगे हम अभी बात करते हैं। ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, आर्यन दत्त जो है 25 मैच इनका बॉलर है, ये 20 विकेट ले चुका है, लेकिन इसको मुझे लगता नहीं मौका मिलेगा किसी और का, तो बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी तगड़ी इनकी नहीं लग रही है। इसके बदले कोई दूसरी टीम आई होती ना, विंडीज वगैरह आई होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, वो जो बाहर हो गई अन लगी थी। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है हैदराबाद में ये मैच होने वाला है दोस्तों, और पहला ICC मैच वर्ल्ड कप का यहाँ पे खेला जाने वाला है, इससे पहले इसने वर्ल्ड कप कभी भी नहीं खेला है। टोटल 7 मैच यहाँ खेले गए हैं, बैटिंग पहला करने वाले ने 4 बार जीता है और सेकेंड करने वाले ने 3 बार जीता है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इसका 288 है, और यकीन मानिए कि पाकिस्तान अगर खेल रहा होगा तो 350 भी प्रॉबेबल है, पाकिस्तान 350 भी रन बना देगा, और अगर नीदरलैंड्स पहले खेलेगा तो ये बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाएगा पाकिस्तान की गेंदबाजी के अगेंस्ट, ठीक है। हाईएस्ट टोटल हालांकि 4 विकेट पे 350 ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्राउंड पे बनाया है, और इंग्लैंड 174 पे यहाँ पे आउट भी हुई है, 252 सक्सेसफुली यहाँ पे चेस किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर बात आती है कि यहाँ पे पिच कैसी रहने वाली है, तो पहले तो मैं बता दूँ ना, चाहे पिच कैसी भी रहे ये आपका बैटिंग विकेट रहने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत सारे दर्शक आते हैं खेलने के लिए, पैसा कमा रहे हैं BCCI ने सब ने, और ये बैट्समैन का अब गेम होता जा रहा है, तो बैटिंग में चौके छक्के रन चाहिए, तो बैटिंग विकेट रहेगा पूरा का पूरा। 3 तरीके की यहाँ पे जो है पिचेस होती हैं, एक काली मिट्टी पे होती है, एक आपकी लाल मिट्टी पे होती है, एक दोनों को मिला के बनाया जाता है, किसी को भी लगे तो रहना उसमें बैटिंग फ्रेंडली है। तो यह है कि कहीं पर आपका जो है जो लाल वाली है इसमें पेसर ज़्यादा चल जाएंगे, काली वाली में स्पिनर ज़्यादा चल जाएंगे, लेकिन इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ही डोमिनेट करने वाला है पूरी तरीके से, तो इतना मायने पिच रिपोर्ट यहाँ पे रखती नहीं, ये परफेक्टली बैटिंग विकेट होने वाला है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। शुरू में आप ये नीदरलैंड के खिलाड़ियों के लिए है कि वो चाहे तो थोड़ा बहुत रुक के देख ले और फिर स्ट्रोक अपने खेल ले, लेकिन इसमें भी फिर क्या होगा, रुकेंगे तो फिर वो इतनी तेज गेंदबाजी इतनी बढ़िया है पाकिस्तान की कि ये बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ ऑल पाकिस्तान पाकिस्तानी जीत रहा है इसमें। और अगर आप बात करते हैं स्पिन और पेस की, तो पेसरों ने यहाँ पे 65 विकेट लिए हुए हैं अभी तक तेज गेंदबाजों ने, और स्पिनर सिर्फ 30 ही विकेट ले पाए हैं, इसका मतलब यहाँ पे तेज गेंदबाज ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी है भी बहुत जबरदस्त, तो बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे टॉस जीतो और बैटिंग करो बॉस, यहाँ पे ड्यू फैक्टर इतना कारगर नहीं रहेगा। पाकिस्तान भी अगर मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान जीतेगी तो वो पहले बॉलिंग करेगी, ऐसा मुझे लगता है कि वो बाबर आजम पहले बॉलिंग लेगा और अपनी बढ़िया गेंदबाजी से उन्हें जल्दी निपटा लेगा, और जल्दी निपटा के अपना रन रेट वगैरह भी खूब बेहतर करेगा आगे के लिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन अगर नीदरलैंड जीतेगा तो वो पहले बैटिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी बैटिंग यहाँ पे मुश्किल हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी नीदरलैंड के खिलाफ, ठीक है। और एक हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि बहुत हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, हालांकि पाकिस्तान इस जगह पर राजीव गांधी स्टेडियम में
दोनों ही प्रैक्टिस मैच अपने हार चुका है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं है। तो क्यों उसके मायने नहीं है, क्योंकि देखिए पहले मैच में क्या करा था, पाकिस्तान चेस कर रही थी और पाकिस्तान ने 345 रन बनाए थे, 346 रन, और ये न्यूजीलैंड ने चेस कर दिए थे, मतलब पाकिस्तान ने तो 350 के आसपास का स्कोर बनाया ही था, ठीक है वो बात अलग है, न्यूजीलैंड चेस करेगा, नीदरलैंड नहीं कर पाएगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान 352 चेस कर रही थी ऑस्ट्रेलिया का, और ये भी 330 के ऊपर पहुंच गई थी, और 15 रन से ही, आप देखिए 345 रन इसने बना दिए थे, 15 रन से ही ये मैच हारी थी, मतलब पाकिस्तान ने यहाँ पर भी बड़ा स्कोर किया था, तो पाकिस्तान बड़ा स्कोर यहाँ पे करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि नीदरलैंड सबसे कमजोर टीम है, तो ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के थ्रेट वाली बात है नहीं। अब इन सब फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो क्या टीम दोस्तों होनी चाहिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो ये मेरी पहली टीम है, बहुत ध्यान से देखिए, अगर इसमें जीतता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता है तो सीधे सीधे आफरीदी और रऊफ जो है कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिए जाएंगे दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, रऊफ को कैप्टन कर लीजिए, आफरीदी को वाइस कैप्टन कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं, देखिए एस खान तो यहाँ पे रह गई, तो नवाज मैंने रखा हुआ है, आप नवाज की जगह हसन रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी कॉम्बिनेशन से जाऊंगा। और बल्लेबाज मेरे ऊपर के चारों रख लिए, जबर, हक, बाबर, रिजवान, ठीक है। तो ये टीम बहुत बढ़िया रहेगी, और यहां से मैं सिर्फ 8-3 के कॉम्बिनेशन में जा रहा हूँ। एडवर्ड इनके कप्तान को ले लिया, विकेट कीपर को एकरबेर यहाँ पे रखा हुआ है, और बिस्लीडे मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वॉन ब्लेक, मैक्सो दाऊद, विक्रमजीत सिंह, किसी को मौका नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन आप इसमें चेंज करके खेल सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाड़ी बहुत ज्यादा असर इस मैच पे नहीं डालने वाले हैं, ये बात श्योर है। लेकिन अगर दूसरा मामला चलता है और पाकिस्तान चाहता है कि पहले बैटिंग कर ली जाए, तो सीधे सीधे इमाम उल हक को यहाँ पर आप कप्तान करिए और जबर को वाइस कैप्टन करिए। हो सकता है कि यही दोनों बड़े शतक लगा दे, जैसा कि कल रचित रवींद्र और कॉनवे ने किया हुआ है। और फिर आप देखते हैं, यहाँ पे मैंने मैक्सो दाऊद को इंट्रोड्यूस कर लिया है, बॉलिंग अभी भी मैंने आफरीदी, रऊफ और एस खान के ऊपर ही छोड़ी है। आप चाहे तो किसी एक को हटा के हसन अली ला सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर पाकिस्तान के लिए दूसरा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, तो बाबर इनका टॉप प्लेयर है, तो बाबर को कप्तान कर लेते हैं, आफरीदी को वाइस कैप्टन कर लेते हैं। यहां हसन अली को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक ऊपर से बैट्समैन कम किया हुआ है, ठीक है। फखर जमन हटा के रिजवान मैं यहां पर लेकर आ गया हूं, एस खान मेरा कॉमन चल रहा है, और यहां पर मैंने फिर से कॉरी एकरमन को दिया हुआ है, एडवर्ड इस टीम में मैंने रखा हुआ है, और बस लीडे और पेनलिक को मैंने रखा हुआ है। तो यही कॉम्बिनेशन चलेंगे बॉस, 8-3 या 7-4। तो ये सिर्फ एक आइडिया है। की प्लेयर्स जो रहने वाले हैं मैं बता दूं, रऊफ, आफरीदी, हसन अली, यहां से रखिए टॉप, ऊपर से 4 बैट्समैन रखिए, 4-3-7 हो गए, ठीक है। और कहीं कहीं पे एक एक बैट्समैन को शिफ्ट करके आप नवाज को ले आइए तो कप्तान कर दीजिए, और एस खान को ले आइए तो कप्तान कर दीजिए, अगर आप ज्यादा टीम से खेल रहे हैं। पाकिस्तान ही जीतेगा, टॉप पिक खिलाड़ी यही है आपके। नीदरलैंड की तरफ से मैं सिर्फ और सिर्फ जो है बेस्ली डे, एडवर्ड को ही ज्यादा तवज्जो दूंगा, और एकरबन को आप चाहे तो खिला सकते हैं। मैक्सो दाऊद, विक्रमजीत सिंह टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी इतना बढ़िया नहीं करेंगे, इस बात को आप याद रखिए। तो आई होप कि ये चीजें आपके समझ में आई होगी दोस्तों, तो बेस्ट विशेष है। बस थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, इस हिसाब से आप सेलेक्ट करके अपनी टीम बनाइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन भी करिए, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ कल के मैच की डिटेल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ध्यान और जिम्मेदारी से खेलें।